नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। अयोध्या के स्वर्ग द्वार स्थित रामानंद भवन मंदिर के पूर्व साकेतवासी महंत श्री राम प्रिय दास महाराज की 27वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर रामानंद भवन मंदिर में राम नाम कीर्तन हुआ व अयोध्या के सभी साधु संतों ने साकेतवासी महंत राम प्रिय दास की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर नमन किया। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन हुआ जिसमें अयोध्या के सभी संत महंत सम्मिलित हुए। रामानंद भवन मंदिर के महंत प्रभु नारायण दास उर्फ प्रमोद दास ने बताया कि हमारे गुरु राम प्रिय दास जी की 27वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन हुआ है और सभी साधु संत व श्रद्धालु लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर महंत जनार्दन दास सार्वभौम दार्शनिक आश्रम के महंत जनार्दन दास व अन्य साधु संत सम्मिलित हुए और साकेतवासी महान राम प्रिय दास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। आज का कार्यक्रम है सर्वश्रेष्ठ श्री गुरुदेव भगवान के साकेत गमन के उपलक्ष में हम लोग उनके भोज भंडारा करते हैं। जैसे गृहस्थ लोग अपने बाप दादा का पिंडदान करता है, वार्षिक श्राद्ध करता है, ऐसे हम लोग संतों को भोजन करा करके श्री गुरुदेव भगवान को चरणामृत प्रसाद प्रदान करते हैं, जिससे गुरुदेव भगवान सुख शांति प्रदान हो, ठाकुर जी के चरणों में वास हो। पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान श्री स्वामी रामप्रिया दास जी महाराज महान विभूति थे, महान संत थे। हम लोग कितने गुरु भाई हैं, उनके चरण के सब दास हैं। हमारे नाम महंत जनार्दन दास जी हैं, उन्हीं के कृपा से मैं सार्वभौम दार्शनिक आश्रम उन्हीं के कृपा से मुझे प्राप्त है, मैं वहाँ का महंत। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने GT रोड एटा उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9412282757 94562104। रामपुर के अतरौला में मॉडल थाना श्री दत्तगंज में उप जिलाधिकारी अतरौला की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक कर बकरीद त्यौहार सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई और कहा कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध है, अफवाह फैलाने व सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट पर अफवाह फैलाने वालों की सूचना पुलिस को दें। आगामी त्यौहार ईद उल अज़हा बकरीद त्यौहार परंपरागत ढंग से आपसी भाईचारा व सौहार्दपूर्ण मनाएं। अराजकता फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ताज नगरी आगरा में सिकंदरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 10 इलाके में परिवार के 3 सदस्यों की आत्महत्या की घटना ने इलाके को हिला के रख दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक परिवार के रिश्तेदार की सूचना पर थाना सिकंदरा पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेजा गया है। SP सिटी आगरा विकास कुमार और SSP आगरा प्रभाकर चौधरी ने आत्महत्या प्रकरण के खुलासे के लिए टीम का गठन भी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रकरण बुधवार सुबह का है जब पुलिस कांस्टेबल रूम को सूचना मिली कि सिकंदरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 10 इलाके में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने सुसाइड कर लिया है। तीनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। इस प्रकरण में पति पत्नी और एक बच्ची की मौत हो गई है जबकि परिवार का एक सदस्य और मृतक परिवार का बेटा बच गया है। मृत दंपति में 32 वर्षीय सोनू शर्मा और 30 वर्षीय गीता शर्मा और उनकी 8 वर्षीय पुत्री दृष्टि शामिल है। घटना के खुलासे के लिए मौके के साक्ष्य संकलन किया गया है। इसके अलावा परिवार के नाते रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इलाके के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। हमारे संवाददाता जितेंद्र तोमर की इस खास रिपोर्ट में
घटना हुई, फांसी लगाई गई, तीन लोगों की क्या इस वजह से? ये थाना सिकंदरा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि तीन लोगों ने फांसी लगा ली है। मौके पर जब पुलिस पहुंची, सारे लोग आए, फॉरेंसिक टीम भी आई और यहां से एक सुसाइड नोट ही बहुत भावुक तरीके का लिखा हुआ मिला है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चूंकि जो मृतक है उसकी पत्नी उसकी बेटी है, मृतक पिछले काफ़ी दिनों से बेरोज़गार था और अपने फादर का जो मकान है उसमें सबसे ऊपर के सेकेंड फ्लोर पर रहता था। इन लोगों ने ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कंसल्ट किया है आपस में जो सुसाइड नोट के मुताबिक, उसके बाद इन्होंने ये कदम उठाया है। इनका एक और लड़का भी है जिसने शायद अपनी सहमति नहीं दी थी, वो नीचे चला आया था, उसी के द्वारा सूचना दी गई परिवार वालों को कि ऊपर ऐसी चीज़ उसको लग रहा है, उसको आशंका है कि ऐसी चीज़ हुई है। वहाँ पे जाकर के इनके परिजनों द्वारा देखा गया तो हैंगिंग पोजीशन में थे पूरी बॉडी और उनको इन्होंने उतारा। पुलिस मौके पर आई, आगे की और जो पंचायतनामा है 174 CRPC की कार्रवाई है वो प्रचलित है। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक के फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9422827 9456214024। बलरामपुर के उतरौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्री दत्तगंज में डॉक्टर विकल्प मिश्रा के द्वारा सामुदायिक परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पृथ्वी को हरा भरा करने के लिए सघन वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए सभी को अपनी जमीन पर वृक्ष लगाना चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर संजय कुमार, विजय प्रताप सिंह, आशुतोष शुक्ला, अमरेंद्र सिंह, नंद किशोर शुक्ला, चंद्रभान सिंह, विजय बहादुर, राजेश कुमार आदि स्टाफ गण मौजूद रहा। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9422827 9456214024। सिद्धार्थनगर जिले में अपनी ड्यूटी करने की बजाय अन्य फर्मों की साइट पर हो रहे विकास कार्यों पर मजदूरी करते मेट व सफाई कर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नगर पंचायत उसका बाजार में तैनात मेट व सफाई कर्मियों का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। वायरल हो रहे वीडियो में काम करते दिख रहे लोग नगर पंचायत उसका बाजार के हैं कर्मी। थाना रोड उसका बाजार का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। आज ही का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। खड़ा है जी का हम बता रहा थी वीडियो रुक जो तो से काम करावा तो नहीं है।
ये काम तंदर का थोड़ो हो। अब भेजा थे डीएम साहब के, अब रुकल लो करामे तंदर से काम ही साहब। तब बताओ ने तुरंत रोज। बरेली थाना शाही थाना क्षेत्र के कुलछा गांव में एक विवाहिता का फांसी के फंदे पर शव लटका हुआ मिला। वहीं विवाहिता के ससुराल वालों का कहना है कि पति पत्नी की लड़ाई के बाद पत्नी ने आत्महत्या की है। मृतका के मायके वालों का कहना है कि दहेज में चार पहिया वाहन की मांग की जा रही थी, पूरी न होने पर उनकी बेटी की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी पति को हिरासत में लिया है तथा पुलिस पूछताछ कर रही है। जनपद पीलीभीत के दयूरिया थाना क्षेत्र के गांव रामनगर जगतपुर के रहने वाले भुवनेश कुमार पुत्र बाबू राम ने अपनी बेटी मनोरमा गोस्वामी की दहेज हत्या की थाना शाही में मुकदमा दर्ज कराया है। भुवनेश कुमार की पत्नी मिथिलेश कुमारी का कहना है कि उसने अपनी बेटी मनोरमा गोस्वामी की शादी वर्ष 2017 में थाना शाही क्षेत्र के कुलछा गांव के रहने वाले मनोज कुमार गोस्वामी पुत्र राधेश्याम गोस्वामी के साथ की थी। कहना है कि उनकी बेटी मनोरमा गोस्वामी के 3 बच्चे हैं। शादी के बाद से ही उसको ससुराल में प्रताड़ित किया जाने लगा और चार पहिया वाहन की मांग की जाने लगी। मनोरमा के पिता का कहना है कि चार पहिया वाहन की मांग पूरी न होने की वजह से उनकी बेटी की उनके दामाद मनोज कुमार और उनके भाई राजकुमार व पप्पू और भाभी रेखा ने हत्या की है। पुलिस ने मृतका मनोरमा के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मनोरमा के पति मनोज कुमार को हिरासत में लिया है। मिथिलेश कुमारी लड़की मनोरमा गोस्वामी। अरे भैया बहुत दहेज मांग करते, हमने सब कुछ दो तब भी मांग करते, हम हर वक्त इसके लिए भत्ते रहते। लड़की से हमने कहे बेटा छुट्टी करा ले, हम तुम्हें अपनी हम समझ नहीं, हमारी एक बहू रह रही घर पर, लड़की ने छुट्टी ना कराई, लड़की ने छुट्टी ना के हम अपने पति के साथ होने रहे, अच्छे बदनामी हो गए। अरे 4-व्हीलर मांगत हमने ना दे पाए भैया, उनने मार कूट के थाने में हमें दिखाए तक ना है, थाने में इन चील घर मा कर दे आए, हमें ना पता, हमें न्याय चाहिए। मोदी जी योगी जी कह रहे लड़की बचाओ लड़की बचाओ, जानकारी मिली किस तरह खत्म हुई, हमें किसी ने फोन करो कि तुम्हारी लड़की नहीं खत्म हुई, जब हम आए तो हमारी लड़की नहीं आई घर पर, हमें कोई हमें मिलो ना कोई। अच्छा, चोट के निशान भी लड़की क्या? दरोगा जी ने चोट के निशान दिखाए और हमें ना हमें ना पता, हमें ना मिली ना देखने के लिए लाश हमें। हाँ ससुराल है इसकी बेटी की, इसकी बेटी की ससुराल कुलछा थाना लगता है शाही मैं कहा है रामनगर जगतपुर। कितने साल हो गए शादी? 5 साल। कब से परेशान करते थे? शुरू से परेशान करने लगो भैया। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने ये हत्या करी है? एक तो रेखा जिसको नाम राखी, राजकुमार, मनोज और हमें ना पता, और पता हो जो पता है हमें जितने पता पता है बस, हमें न्याय चाहिए। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने GT रोड एटा उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9422827579456214024। उत्तर प्रदेश के बरेली में पति पत्नी में कहासुनी के बाद पत्नी अपने मायके चली गई। पत्नी 1 सप्ताह से अपने मायके में थी। उसके बीच में रविवार को उसका साला संजीव कश्यप अपने दोस्त के साथ आया और सचिन के घर में घुसकर उसके साले उसके दोस्त ने जमकर पिटाई की। इस बात को लेकर सचिन सदमे में था। कल शाम जहर खाकर सचिन ने अपनी जान दे दी। थाना सुभाष नगर क्षेत्र के मोहल्ला अड़ीनाथ गल्ला मंडी निवासी मृतक की माँ कलावती ने बताया कि उसका बेटा 32 वर्षीय सचिन पुत्र नथुलाल कश्यप अपनी पत्नी विक्की के साथ कहासुनी हो गई थी।
बात को लेकर पत्नी विक्की अपने मायके थाना कला क्षेत्र के मोहल्ला रेती चली गई थी। सचिन ने कई बार बुलाने का प्रयास किया, पत्नी विक्की नहीं आई। रविवार को विक्की का भाई संजीव अपने दोस्त के साथ आया, उसने घर में सचिन के साथ मारपीट की। सचिन की पिटाई होने से सचिन सदमे में रहने लगा। मंगलवार को सचिन ने जहर खा लिया। परिवार वालों ने सचिन को अस्पताल में भर्ती कराया। सचिन की इलाज के दौरान सुबह मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि सचिन की पिटाई उसके साले और दोस्त ने की थी, इसलिए सचिन डिप्रेशन में रहने लगा, इसलिए सचिन ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। क्या नाम तुम्हारा? मेरा कलावती। आपका कौन था? मेरा बेटा था। क्या नाम था उसका? सचिन। कैसे खत्म हो गया? नहीं, बहू चली गई 8 दिन पहले, तो गुस्सा में खा लिया जाना है, जाकर छाला मार के गया था। कब मार के गया था? पानी बरत रहा उसे ही दिन खूब रौंद रौंद के खूब मारा। फिर इन्हें ये कही कि बहू आ बुला लाओ, मैं बुलाने गई तो भी नहीं आई, बहू लड़की गई तो भी नहीं आई, तो इन्हें गुस्सा में कह लो मम्मी अब वो तलाक देगी, नहीं आएगी। कल का आया था। खत्म कब हुआ है? आज खत्म हुआ है, विनायक में। क्या करता था? चालक कर तो विष्णु की यहाँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।